हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं वेज मंचूरियन। खाने में बहुत ही टेस्टी और यमी लगते हैं और ये हम चिंग्स के मसाले से बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं ये कैसे बनती है और इसके लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। एक कटोरी गोभी ले लिया है, इसको हमने कद्दूकस से घिस लिया है। एक कटोरी पत्ता गोभी लिया है, इसको हमने ग्रेट कर लिया है, पतले पतले जूलियंस में काट लिया है। एक कटोरी गाजर लिया है, इसको भी ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। एक शिमला मिर्च ली है, इसको भी छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। एक बड़ा चम्मच मैदा ली है बाइंडिंग के लिए। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको कद्दूकस से घिस लिया है। 5 से 6 हरी मिर्च ली हैं, इसको छोटे पीसेस में काट लिया है। और 1 छोटा चम्मच नमक लिया है। 2 चिंग्स मंचूरियन के पाउच लिए हैं जिससे हम वेज मंचूरियन बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गोभी को एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे जो हमने ग्रेट करके रखा हुआ है। पत्ता गोभी को भी हम डालेंगे, इसको भी हमने जूलियंस में काट करके रखा हुआ है। गाजर को, जिसको हमने ग्रेट करके रखा हुआ है। शिमला मिर्च के पीसेस को डालेंगे। हरी मिर्च, अदरक जिसको हमने ग्रेट करके रखा है। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छे से सारी सब्जियों को आपस में मिला लेंगे। अब जितनी भी वेजिटेबल हमने सब मिक्स करी हैं, इनमें से 1 कटोरी वेजिटेबल हम अलग निकाल लेंगे। ये देखिए, जो भी वेजिटेबल हमने मिक्स करनी थी उसमें से 1 कटोरी वेजिटेबल हमने अलग निकाल ली है। अब इन सब्जियों में हम नमक को मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, जैसे ही हमने इसमें नमक मिलाया सब्जियों ने थोड़ा मॉइस्चर आ गया है, थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है। अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए जो हमने 1 बड़ा चम्मच मैदा ली थी उसको मिक्स करेंगे। मैदा थोड़ी थोड़ी मिक्स कीजिएगा, जैसे जैसे ये बाइंड होते जाए उतनी ही मैदा मिलानी है इसमें। वेजिटेबल सारी तैयार हैं। अब हम एक पैन या कढ़ाई में ऑयल डालेंगे इसको तलने के लिए। ये देखिए, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो वेजिटेबल्स तैयार करके रखी थी उसके छोटे छोटे बॉल्स बना के डालेंगे, जिस तरीके से कोफ्ते बनाते हैं और गोल गोल बॉल्स बनाकर इसमें डालेंगे।
मंचूरियन बॉल्स एक तरफ से सिकना शुरू हो गई, तो इसको हम थोड़ा सा टॉस कर देंगे, हल्का सा स्लाइटली घुमाते हुए पलटेंगे। ये देखिए मंचूरियन बॉल्स एकदम लाइट ब्राउन हो चुकी हैं, इसमें अच्छे से कलर आ चुका है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जब आप इसको अपने घर पे बनाएंगे तब आप इसको अनुभव कर सकते हैं। चलिए मंचूरियन बॉल्स अच्छे से सिक चुकी हैं, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। टिश्यू पेपर के ऊपर जिससे इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स गर्मा गर्म वेज मंचूरियन बॉल्स बनकर तैयार हैं। इसको चाय या कॉफी के साथ सर्व कीजिए, ये डिश बहुत ही टेस्टी लगती है। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।